वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौरवसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरूनबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजगतानपि जानाति हि सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजवीशनाथम् हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मात प्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्सन्तोषवरासन विषमुदा मां दीनवानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततजयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरौ सन्तानवत्सलो भुजो सन्तनो कुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शयनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानम् पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसाधारयम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तव माला में श्री गीतावली का
हम आस्वादन कर रहे थे। पूर्व दिवस में गीतावली के 10 जो श्लोक हैं वहाँ तक हमने आस्वादन किया था। अब एकादश जो गीत है उस गीत से प्रारंभ हो रहा है। आशावरी तब चंचल मतिरयो मगहंता अहमुत्तम धृति दीर्घ दिगंता द्युति विदुरय कोमल कथनम पुनर्विधास्य नहि मधुमथनम षठचरितोऽयं तव वनमाली मृदुहृदयाहं निजकुलपाली तव हरिरेष निरङ्कुशनर्मा अहमनुबन्ध सनातन धर्मा। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीकाओं में श्री गोस्वामी के भाव को वर्णना कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं, इसका आवाज़ नहीं सुना जा रहा, इसको सही करो। एक तो इसका बिल्कुल आवाज़ नहीं जा रहा है वहाँ पर, इसका आवाज़ ही बिगड़ गया। अभी कह रहे हैं अति प्रसाद हेतु आगताम द्वितीय माननीम श्री राधा हो तवेति। निताई हो हरि हो। उसका भी मीट बढ़ा दो, उसका भी थोड़ा मीट बढ़ा, इसको सही करने के लिए इसको गड़बड़ हो गया। हमें कह रहे हैं प्रसादयितुम आगताम द्वितीय माननी श्री राधा हो तवेति, अर्थात जो प्रसादयितुम अर्थात संतोषार्थ में आए हुए आगताम माननी श्री राधा हो तवेति, तो संतोषार्थ आए हुए जो द्वीति है उनको माननी राधा जो है कह रही है। तब अयम अगहंता कृष्ण चंचलमति है, उसका जो हाइट है ना उसको बढ़ाओ, उसी के सीधे में जो नीचे हाइट है उसको बढ़ाओ थोड़ा सा श्री राधे, और बढ़ाओ दोनों को बढ़ाओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे, और बढ़ाओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ठीक है। कह रहे तब अयम अगहंता कृष्ण चंचलमति ही, कह रहे वहाँ जो तुम्हारे अगहंता अर्थात पाप को नष्ट करने वाले, अगहंत का तात्पर्य हुआ कि पाप को जो नष्ट करते हैं वो, अथवा अघासुर को मारने वाले, दोनों अर्थ ही यहाँ पे हो सकता है। तो अब कह रहे हैं कि जो अगहंता जो कृष्ण है वो कैसे है, तो चंचलमति जो कृष्ण है वो कैसे हैं, तो बड़े ही चंचलमति है, एकदम बिल्कुल चंचल है। परंतु उत्तमतया धृत्या दिग्धा विलिप्ता दिगंता यया सा दिगंत प्रसिद्धा धैर्याहम इत्यर्थ। परंतु जो मेरा जो धैर्य है उत्तमया धृत्या दिग्धा विलिप्ता दिगंत यया सा दिगंत प्रसिद्ध धैर्याहम इत्यर्थ। किंतु देखो सखी,
मेरा जो धैर्य है और जो गुण है सभी दिग विदिक वो विदित है, यानी सभी लोग जानते हैं कि मैं किस प्रकार गुणी हूँ और कैसा मैं धैर्यशाली हूँ, सब जानते हैं। हे दूति कोमल कथनम विदुरय मुंच। हे दूति कोमल कथनम विदुरय मुंच, कि अब जो है तुम जो कोमल जो वाक्य कह रहे हो वो वाक्य को बोलना अब छोड़ दो, अब कहने की जरूरत नहीं है। जो कोमल जो तुम वाक्य कह रहे हो उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अहम मधु मथनम नाभिधास्य, क्योंकि मैं जो है वहाँ जो मधुमथन है मधु को मारने वाले नाभिधास्य जो है उनके साथ में कोई मैं वाक्य प्रयोग नहीं करूँगा, उसके साथ में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, बिल्कुल मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं उससे जा करके बात करूँगा। तेन साकम न आलापम करिष्यामि इति, अर्थात उसके साथ में कोई वार्तालाप जो है नहीं करना चाहता हो, नहीं करना है मुझे कोई बात, क्योंकि तब अयम वनमाली षटचरिता, क्योंकि तुम्हारे जो ये वनमाली है वो कैसे है तो कहते षटचरित है, उसकी चरित्र वो ये अच्छा नहीं है, वो बड़ा षट है। षटस एव चरितम जैसे यानी षठ के भांति जो है जिनका चरित्र है, षठ किसको कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, जो है पूर्व में हमने कहा था कि एक में किसी का निष्ठा हो, किसी एक में जिसका निष्ठा है और बाहर दसों से प्रेम है, एक में निष्ठा है परंतु बाहर और दस लोगों से भी प्रेम करेंगे, तो उसको कहते हैं षट व्यक्ति। तो कृष्ण कैसे, तो बोले वो षट है क्योंकि निष्ठा तो मेरे ऊपर रखेंगे पर फिर भी चंद्रावली के पास जाते हैं, तो इसीलिए वो कैसे है, तो कहते षट है। तो इसीलिए षटस्य एव षट के भांति चरित्र यस्य सः, वो षट के भांति उनका चरित्र है। अहम निज कुल पाली मृदु हृदय, और देखो सखी मैं तो बड़े ही मृदु हृदय वाली हूँ, अर्थात मेरा हृदय कैसा है, कोमल है, कृष्ण षट है और मेरा हृदय कैसा है, बड़ा कोमल है। और निज कुल पाली, निज कुल पाली मृदु हृदय, और देखो मैं अपने कुल मर्यादाओं को पालन करने वाली हूँ, मैंने अपने जो कुल मर्यादा है धर्म है उसको मैं अवश्य ही पालन करती हूँ। तस्य परम सुंदरस्य आपातिकीन स्निग्धेन द्रुतचित्तम मन्निमित्तम दुःखम अस्य माभूत। तुम्हारे वहाँ जो परम सुंदर जो गोविंद है जिनके दर्शन करके मेरे चित्त जो है उनके रूप का उनका दर्शन करके जो उनके स्निग्ध स्वरूप है कि मेरे जो चित्त है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, विकारग्रस्त हो जाता है। तो देखो फिर मेरे चित्त में उस पर जो है इस प्रकार स्निग्धता का उत्पन्न हो जाता है कि क्या कहे, मैं निमित्तम दुखम अस्य माहुत। अब देखो उनके लिए भाई मैं कितने दुख को उठाता हूँ, अब मैं क्या नहीं उठा सकता और उसके लिए कोई दुख, क्योंकि कुल धर्म क्योंकि मैं तो कुल धर्म को रक्षा करने वाले हो, पर देखो उनके प्रति वो मैं जानता हूँ कि उनका जो प्रेम है वो मेरे लिए भी है, मन निमित्तम पिचा कि मेरे लिए भी है। तो इसीलिए देखो सारे दुख को सहन करके भी जो कुल धर्म अनादृत्य वे कुल धर्म का अनादर करके हुए भी तद अनुकूलम अरचयंत, अर्थात उनके जो अनुकूल व्यवहार है वो मैं करती हूँ। इदानीम षट्य विज्ञात किम तस्य अनुकूलनीति भाव, पर अब क्या कहे कि अब तो मुझे उसकी जो षटता है उसका पता लग गया, तो इसीलिए
उसका अनुकूल अब मैं क्यों व्यवहार करूं, क्योंकि जब तो मैं उसको प्रेम तो करती थी, तो प्रेम करती थी चलो कोई बात नहीं, परंतु जब उस पता लग गया कि वो षटता मेरे से ही करते रहते हैं, तो अब मैं उसका अनुकूल व्यवहार क्यों करूंगा, मुझे नहीं करना उनके अनुकूल व्यवहार। एष एव हरि निरंकुश नरमः, तुम्हारा यह जो हरि है वो कैसा है, तो निरंकुशता, निरंकुश का अर्थ हुआ कि उनको कोई बाधा प्राप्त नहीं है, तो निर्वाध हो करके यानी नर्म क्रीड़ा करने करते रहते हैं, नर्म परायण नर्म। अनुबंधु दृढ़ गृहीतो सनातन नृत्य कूलो धर्मो यतादृशः, और कह रहे हैं अनुबंध दृढ़ गृहीतो सनातन नित्य कूलो धर्मो यतादृशः, अर्थात मैं कैसे हूँ, तो कह रहा है मैं ऐसे हूँ जिनका आपने स्वकीय जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म को रक्षा करने में जो मैं प्रवृत्त हूँ, अर्थात मेरा चित्त जो है स्थिर है, अर्थात मैं कुल धर्म मर्यादा आदि को पालन करने वाली हूँ, नित्य ही मैं धर्म को पालन करता हूँ, मैं तुम्हारे जो षट कृष्ण है उसकी भांति नहीं हूँ जो धर्म का उल्लंघन कर देवे, मैं तो कुल मर्यादाओं को रक्षा करने वाली हूँ। तथा च स्वभाव विपर्ययान तेन में मित्र सुखाय स, अब तुम्हारे जो मित्र है वो भाई वो तो अपने स्वभाव से ही कुछ उल्टे सीधे है, तो देखो स्वभाव का जब विपर्यय हो गया है कि उसके साथ उनके स्वभाव के साथ मेरे स्वभाव मेल नहीं खाता है, तो कहाँ उनके साथ मेरा मैत्री हो सकता है, कहाँ उनमें फिर मैत्री करके सुख हमें प्राप्ति होगा है? क्योंकि जो कृष्ण के जो स्वभाव है और हमारी जो स्वभाव है वो दोनों भिन्न स्वभाव है ना, तो जो भिन्न स्वभाव है तो भिन्न स्वभाव होने के कारण से कृष्ण के साथ तो मेरा कोई मैत्री हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, समानशील व्यसनेशु मित्रत्व अभियुक्त हृदि, कि समानशील व्यसनेशु यानी समान स्वभाव होनी चाहिए, समान जो है व्यासन होनी चाहिए, व्यासन इच्छा आदि जो भी हो वो समान होनी चाहिए, अब समान नहीं है तो उससे कैसे मित्रता हो सकता है, अभियुक्त है इसका कोई भी युक्ति नहीं है कि उससे जाकर के मित्रता बना ले, यानी स्वभाव से मेल नहीं खाते हैं, गुण से मेल नहीं खा रहे, हमारी इच्छा अलग है उनकी इच्छा अलग है, तो उसके साथ तो है मित्रता हो नहीं सकता, सिद्धांत ठीक नहीं बैठेगा तो मित्रता होगा ही नहीं, तो तात्पर्य कह कर कि भाई मेरे इच्छा कुछ अलग है, मेरे सिद्धांत अलग है, और तुम्हारे जो षट कृष्ण है उनके सिद्धांत अलग है, तो मेरे से तो भाई उनका मित्रता हो नहीं सकता, कैसे हो सकता। पक्ष में कह रहे हैं सनातन नित्य धर्म हो कृष्ण प्रवेति व्यंजितम, तो जो सनातन है जो नित्य धर्म युक्त कृष्ण है उसमें ही प्रेम यहाँ पे व्यंजित हो रहे हैं, कि कृष्ण श्री किशोर जी का जो है प्रेम किस में है, तो कृष्ण में है, क्योंकि सनातन तो वही है, भगवान ही सनातन है, कृष्ण ही सनातन है, तो इसलिए कृष्ण में ही उनका नित्य ही प्रेम है, वो यहाँ पे व्यंजित हो रहे हैं। अनुबंधु संस्थापित सनातन धर्म सहा भक्ति लक्षण हो जैसे थी, और दूसरा अर्थ ये भी कह रहा है कि जो सनातन गोस्वामीपाद है उनका जो है सनातन धर्म स भक्ति लक्षण जैसे थी, अर्थात जो सनातन गोस्वामीपाद है तो सनातन गोस्वामीपाद के द्वारा जो भक्ति लक्षण आदि संस्थापित की गई है उनमें जो धर्म है अर्थात उनमें मेरा स्थिर चित्त है वो कौन है, तो रूप गोस्वामीपाद कह रहा है कि उस जो सनातन गोस्वामीपाद है जिन्होंने भक्ति लक्षण आदि के विषय में बताया, उस जिन्होंने संस्थापित किया अनुबंधक किया मतलब निर्माण किया बनवाया उसमें जिन स्थिर मति है, दूसरा अर्थ भी है कि भगवान ने जो बनाया भक्ति लक्षण आदि उस भक्ति लक्षण आदि में सनातन गोस्वामी का भी स्थिर मति है। इस प्रकार अब पुनश्च भैरवी राग से गायन कर रहे हैं, मंडित हल्ली सख मंडोलाम
नटयन राधम चल कुंडलाम निखिल कला संपदि परिचयी प्रिय सखी पश्य नटति मुरजयी मुहुरांदोलित रत्न वलयम शलयम चलयन कर किशलायम गति भंगी भीराव शिकृत शशि स्थगित सनातन शंकर वशी। अब कह रहे हैं बहु माने न अनितया राधया सहो हरेरलास्यम तत्सख्यो वर्णयति। अर्थात जो बहुत मना करके लेके आए किसको, श्री जी को। श्री जी तो बिल्कुल आना नहीं चाहते थे, तो दूतियों ने सखियों ने बड़ा समझाया कि कृष्ण के साथ आप पास आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, तो बड़ा समझाया, तो क्योंकि मान करके बैठी थी श्री जी, तो जो बड़ा समझा करके बुझा करके लेकर के आए हैं, तो नीतया राधया से उन श्री राधा जी के साथ में जो श्री ठाकुर जी रास लीला कर रहे हैं, रास विहार कर रहे हैं, उसका जो वर्णन है, उसका अद्भुत जो रास श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, उस रास नृत्य आदि का वर्णन जो है सखीगण कर रही है। तत्सख्यो वर्णति तत् यानी श्री राधया सख्या मंडतेति कह करके कह रहे हैं। युवतीना मंडलिबद्धिन नृत्यम हल्लिषकम, अर्थात हल्लिषक नृत्य किसको कह रहा है, तो कह रहे कि जो युवती मंडलिला अर्थात जो एक एक गोपी है और एक कृष्ण है, यानी दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है ऐसे, तो कह रहे कि युवती मंडला मंडलिबद्धिन नृत्यम हल्लिषकम, अर्थात राश मंडल में बीच में श्री युगल सरकार विराजमान हो रहे हैं और उनको घेर करके युवती मंडल विराजमान हो रहे हैं, ऐसे जो हल्लिषक नृत्य कर रहे हैं, कह रहे हैं नटयन राधम चलकुंडलाम। तो हल्लिषक मंडल के जो मंडल स्वरूप मंडित हल्लिषक मंडलाम नटयन राधम चलकुंडलाम, तत् हल्लिषक मंडल की जो मंडन स्वरूपा अर्थात श्री राधा अर्थात रासमंडल स्थिता जो चंचल कुंडला तथा जिनकी चल कुंडला जिनकी कुंडल जो है चंचलवान हो रही है, ऐसे जो श्री राधा उनको नृत्य कराते कराते निखिल कला संपदि परिचयी प्रिय सखी पश्य नटती मुरजयी। टीका में कुछ विशेष बात नहीं कहा परिचय पंडित ही, तो कह रहे हैं निखिल जो कला संपत्ति, तो निखिल कला संपत्ति के परिचय, परिचय अर्थ होता है पंडित, परिचय शब्द का अर्थ एक हुआ पंडित, तो अर्थात उस जो निखिल कला संपत्ति उसमें जो सुपंडित है मतलब उसको अच्छे से जो जानते हैं ऐसे विदग्ध है। तो प्रिय सखी पशु नटती मुरजी, तो सखिया कह रहे कि हे सखी अवलोकन करो कि नटती मुरजी अर्थात वो जो मुर को विजय प्राप्त करने वाले जो श्री हरि है वो नृत्य कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं स्वलयम यथा से तथा कर किशलयम हस्त पल्लवम चलयन लयो विलास संश्लेष साम्य तोर्य त्रिकस्य चेते विश्व विश्वकोश में कहा गया है। तो कह रहे हैं कि मुहुरांदलितो रत्नवलयम शलयम चलयन करकशलयम, अर्थात कह रहे हैं जो श्री भगवान है कृष्ण, तो रत्न वलय से युक्त रक्त वलय संचालन करते हुए ना विलास करते हुए अपने करप को जो है चालन कर रहे हैं। सलयम यथाशक्त तथा कर कुशलम हस्त पल्लव चालन, अर्थात जो नृत्य कर रहे हैं तो हस्त को भी भगवान
नृत्य के साथ में हस्त को भी चालना कर रहे हैं ऐसे। स्थगितो सनातन शंकरो वशिनो जीतेन्द्रिय सनसः और गति भंगी भिरव वशीकृत शशि, अर्थात जो आपने गमन भंगे के द्वारा तो जो नृत्य आदि कर रहे हैं उसको गमन के साथ तुलना कर रहे हैं, गमलरी गमन है, तो वो जो गति अर्थ में वो धातु का प्रयोग होता है, यानी गति चालना करना भी गति होता है तो नृत्य करना भी गति है, तो गति में सब जो गति में गमलरी धातु का अधिकतर प्रयोग होता है। तो अब कह रहे हैं जो गमन भंगी है भगवान के, गति भंगिर भिर वशीकृत शशि, यानी गति गमन भंगी के द्वारा भगवान जो है अतिशय शोभावान हो रहे हैं। और जो स्थगित सनातन शंकर वशी, अर्थात जो जितेंद्रिय हैं शंकर आदि, सनातन शंकर अर्थात सनातन आदि, यानी जो चतुष्षण में जो सनातन है, शंकर आदि जो जतिगण है, और शंकर तो स्वयं भगवान है, ऐसे शंकर आदि और जतियों का चित्त को जो वशीभूत कर रहे, स्थगित कर रहे हैं, यानी वे सब जितेंद्रिय हैं फिर भी उस रासलीला का दर्शन करके उनके चित्त भी स्थित हो रहे हैं ऐसे, अर्थात जो है वो जयी है परंतु उसके चित्त अब जो है केवल रास में ही स्थिर हो रहे हैं, यानी तात्पर्य है कि वो दूसरे विषय से हट करके चंचलता को प्राप्ति करके जो है रास में आकर के स्थगित हो गया, यानी पूरे रास में ही एकदम उनका हृदय अब लग गया है, इस प्रकार जो है भाव कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं भैरव रागन गीते, भैरव राग सकर दामोदर रोती वर्धन वेश हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरणी मंडल महिते वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणाम कुरु मई करुणा भरीते शनक सनातन वर्णित चरिते। ये तो प्रसिद्ध पद है, सब लोग आते हैं, पर कहाँ से है शायद लोगों को पता भी नहीं है कि हे कहाँ से उठाया है, पर हे गीतावली के ही एक गीत है, और गीतावली के गीत जो है बड़ा प्रसिद्ध है, लोग बहुत लोग इसको गाते रहते हैं कि दामोदर रति वर्धन वेश है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज भी किया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, पता नहीं कैसे चेंज किया है, परंतु मूल जो पद लिखी हुई है वो श्री रूप गोस्वामी पद के लिखी हुई है, ये है मतलब जो ओरिजिनल है ये है, ओरिजिनल वर्षन ये है, और उसमें कुछ चेंजेस शायद किया है मुझे, क्यों मैंने भी कहीं सुना है तो उसमें कुछ चेंज मुझे सुनाई दिया, पर ये मूल पद है और इतने सुंदर ये बहुत प्रचलित पद है, पर है गीतावली का ही, और पद कैसे हैं तो ये रास मंडल में जो श्री भगवान नृत्य कर रहे थे और उनकी स्वभाव का जो वर्णना है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सर्वोत्कृष्टया श्री राधिका स्वामिन्यः कृपां को भी प्रार्थिति। तो अब ग्रंथकर्ता जो श्री रूप गोस्वामी पाद है वो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट जो आपने स्वामिनी है कौन है तो श्री राधिका है, हमारे स्वामिनी श्री राधिका है, इसीलिए कहते हैं कि कृष्णदास्य और राधादास्य में राधादास्य ही श्रेष्ठ है, कृष्णदास्य से राधादास्य ही उत्तम मानी जाती है, कि भाई दास्यता ग्रहण करना है तो किसकी ग्रहण करे, तो बोले राधा जी का ग्रहण करे, वो भी प्रबंधन स्पर्श दीपाद जब आपने संगीत माधव लिखे तो वे जो है सीधे पहुंच गए एकदम निकुंज में जुगल सरकार के निकट में, अब उनको सखी लेके गए सामने में तो श्री ठाकुर जी बैठे हुए श्री जी बैठे हुए हैं, तो श्री जी जो है प्रणाम आदि के कृष्ण को कुछ नहीं किया, तो श्री जी कहा कि जाओ कृष्ण को प्रणाम करो, अब कृष्ण श्री जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करती है मंजरी,
तो जा करके ठाकुर जी को प्रणाम किया, तो ठाकुर जी को प्रणाम कर किया तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बताओ क्या चाहते हो, हम तुमको वर देना चाहते हैं, क्या अभिलाषा है बताओ। तो प्रभान सरस्वत क्या कहते हैं, कहते हैं ठाकुर जी एक ही वर चाहिए हमको, कि आप यही प्रार्थना है आपसे कि हमें राधा दास दे दीजिए, कि हमारे मति रति श्री जी में ही बने रहे, श्री जी की दास्यता जो है मैं कर सकूँ, उनमें ही मेरा रतिमति भक्ति हो जाए, यही हम वंछा करते आपसे, यही मुझे दे दीजिए। तो यानी श्री भगवान जब बैठे हुए और पूरे करे कुछ भी मांग सकते हो, मांग लो, वो मांग क्या रहे हैं कि नहीं श्री जी की दास्यता और कुछ नहीं चाहिए। तो तात्पर्य ये है कि श्री जी की दास्यता को बढ़कर कर कुछ नहीं है। तो इसीलिए श्री बलदेव विद्याभूषण पाद, अच्छा कई लोगों का ये शंका है कि बलदेव विद्याभूषण वेदांती है, उनमें कोई ऐसे रस ग्रंथ कभी लिखा नहीं है बलदेव विद्याभूषण ने, क्योंकि आप देखो उनके लेखनी क्या है, गोविंद भाष्य गीता के ऊपर भाष्य, उसके ऊपर तत् आपके जो है षड संदर्भ उनमें टीका लिखा है, उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे हैं। अच्छा वेदांत के सारे ग्रंथ जो जितने में हमारे संप्रदाय में ना, वेदांत के ऊपर किसी ने नहीं लिखे, बलदेव विद्याभूषण एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने वेदांत के विषय में बहुत सारा कार्य किया है। लोगों को लगता है कि जो बलदीप विद्याभूषण है उसमें रस नहीं है, वो वेदांती है, पर जब आप स्तंभमाला पढ़ो, भागवत जी की थोड़ा उनकी टीका पढ़ो, तो आप उत्तम समझ में आएगा कि बलदीप विद्याभूषण जितने रस में भरे पड़े हुए हैं वो और कोई नहीं भरे पड़े हुए हैं। जब रूप गोस्वामी पाद के स्तंभमाला के ऊपर उनकी व्याख्या जो कर रहे हैं, तो जब उनके व्याख्या को हम पढ़ते तो समझ में आता है कि ये ऐसे वैसे नहीं है, कि जो रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक में भी नहीं लिखा उन बात को, उन सारे वस्तु को वो लिख रहे हैं, उसमें वो उठा रहे हैं, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी वही निकुंज के ही है, तभी ऐसे रस को प्रतिपादन कर रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण की लेखनी को बाहर से अगर कोई पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि वेदांती है, इनकी रस ग्रंथ नहीं है, परंतु जो जानते हैं कि नहीं, इन्होंने भी रस के ऊपर जो कार्य किया है वो बड़े गजब का है। तो वो कह रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट राधिका राधिका सामन्या, ये कलम किनके है, बलदेव विद्याभूषण पाद के हैं, तो जितने हमने टीका पढ़ी सब बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं। तो सर्वोत्कृष्ट श्री किशोरी जी है, वह उनके निकट में आप श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। तो अच्छा बहुत लोग जो प्रार्थना करते दामोदर रतिवर्धन वेश, सबको लगता है कि प्रार्थना कृष्ण का कर रहे हैं, हैं कृष्ण का प्रार्थना है कि राधा जी की है, अगर राधा जी के पास प्रार्थना कर रहे हैं, कवि जो है प्रार्थना कर रहे हैं राधा जी के पास में, तो क्या है कि दामोदर इत्यादि कह करके प्रार्थना कर रहे हैं। हरे निष्कुट गृह राम यद बंदा विपिनम तस्य स्वामिनी इत्यर्थः, कि जो रतिवर्धन करने वाले रतिवर्धन वेशधारिणी हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश, अर्थात जो श्री भगवान कृष्ण हैं उनके जो गृह राम स्वरूप जो वृंदावन है, उस वृंदावन के तस ईश स्वामिनी है, उस वृंदाविपिन के जो स्वामिनी है, उस वृंदावन के जो अधीश्वरी है वो कौन है, तो श्री जो है किशोरी जी है। तो वृंदावन के अधीश्वरी श्री किशोरी जी के निकट में जो है श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं, दामोदर रतिवर धनवेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश, राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल भैते। अब कह रहे गोकुले जानी तरुणी मंडलानी तेरे महिते पूजते, तो कह रहे हे माधव प्रिय, जय हो माधव प्रिय, हे राधे आपकी जय हो, जय 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 हो माधव दैते माधव प्रिय, गोकुल तरणी मंडल महित, अर्थात गोकुल गोपी कुल भूषिते, अर्थात गोकुल के गोपी कुल को भूषण करने वाली जो है वहाँ जो श्री किशोरी जी, अर्थात गोकुले जानी तरणी मंडलानी, गोकुल में जितने भी तरुणी मंडली है
तई उनके द्वारा महिते पूजिते मह अर्चयाम पूजायांच उनके द्वारा जो है पूजनीय वहाँ कौन है तो श्री किशोर जी है, श्री राधिका है। इस प्रकार वृषभानु दधि नवशशि लेके ललिता सखी गुण रमित विशाखी वृषभानु रेव दधि तस्व नवशशि लेख है अर्थात वृषभानु रूपी वृषभानु रेव उदितो तस् रेव दधि तस्य नवशशि लेख तो कह रहे जो वृषभानु दधि वृषभानु रेव उदधि तस्य नवशशि लेख कि जो वृषभानु राज रूप समुद्र की समुद्र में नवदीत चंद्र लेखा स्वरूप जो है वो कौन है तो श्री ठाकुर श्री किशोर जी है। हे ललिता सखी गुरु ही सौहार्द कारण कृष्ण अनुकुल्याद अनुकुल्य रमिता विशका जया हे तादृश और आप कैसे है ललिता सखी गुण रमित विशके अर्थात तुम जो है ललिता के सखी हो प्रिय सखी हो ललिता जी की और कैसे हैं सौहार्द कारण्य कृष्णानुकुल्यादयी कि सौहार्द कारण और कृष्ण के आनुकुल्य आदि से अब विशाखा रमिता विशाखा तद विशाखा को भी आपने वशीभूत किया विशाखा रमिता विशाखा जया है तादृशतात् अब उस प्रकार है तद आपने आपके गुण के द्वारा भी अपने विशाखा को भी वशीभूत किया हुआ है। करुणाम कुरुमयी करुणा भरी ते शनक सनातन वर्णित चरिते और कह रहे हैं कि हे करुणा भरिते अर्थात करुणा से भरी हुई आप हैं तत् कृपा पूर्णे आप कारुण्य रस से सदा ही परिपूर्ण है कृपा से भरी हुई है त्वं मयि करुणाम कुरु तो इसीलिए किशोर जी आप मुझे करुणा कीजिए। अभी क्षणक क्षणातनाभ्यम वर्णितानि चरितानि यस्यः हे तादृश अर्थात जो सनातन क्षणक सनातन आदि के द्वारा जिनकी गुण का गायन की जाती है अर्थात क्षणक सनातन गोस्वामी भी आपकी जो है चरित का वर्णना करते हैं। हे तादृश आप उस प्रकार है ऐसे जो श्री जी हैं हे किशोर जी आप त्वम तुम मई करुणाम करो आप मुझे जो है करुणा कीजिए कृपा कीजिए। इस प्रकार जो है प्रार्थना श्री किशोर जी के निकट में श्री जो रूप गोस्वामी पाद है वो कर रहे हैं। पुनश्च धान्य श्री में गायन करते हुए कह रहे हैं राजपुराद गोकुलम उपयातम ब्रह्मदन्मादित जननी तातम स्वप्ने सखी पुनरद्य मुकुंदम आलोकयोमवतम सितकुंदम परम महोत्सव घूर्णित घोषम नयनिंगित कृतमात् परितोषम नव गुंजावली कृत पर भागम प्रबल सनातन सुहृद अनुरागम आओ कह रहे हैं श्री कृष्ण मथुरा स्थित अर्थात जो श्री कृष्ण मथुरा स्थित विरहिणी राधा तब जब श्री भगवान कृष्ण मथुरा में चले गए अर्थात मथुरा में विराजमान हो रहे थे तो उस समय राधा विरहिणी राधा जो कृष्ण की विरह से विरह हुई विरह दशा में जो चली गई जो श्री राधिका है उस वासकिम प्रति आपने सखी के प्रति जो है
कह रही है, सखी के प्रति सखी को संबोधन करते हुए कह रही है, स्वसखीम प्रति, आपने सखी के प्रति कह रही है, स्वप्न वृत्तांत माहो, अर्थात सपने में दिखी हुई जो बात है वह वृत्तांत को जो है कह रही है आपने सखी को कि मैंने क्या सपने में देखी है। हे सखी, हे सखी, कि मैं, हे सखी, सपने अहम अद्य मुकुंदम आलोकयम, अर्थात हे सखी, आज जो है सपन में मैंने मुकुंद को देखा, अर्थात मुकुंद जो श्री भगवान है, मुक्तिम ददाति मुकुंदा, अथवा मुखी कुंद इव हास्य जिस सहा, अर्थात कुंद पुष्प की भति जो मुस्कुराते हैं उनको ही मुकुंदो कहा जाता है, क्योंकि भक्त मुक्ति को प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए मुक्तिम ददाती थी मुकुंद से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो गोस्वामी पाद इसलिए अर्थ किया है कि मुखी कुंद पुष्प इव हास्य स मुकुंदा, अर्थात कुंद पुष्प के भांति जिनके मुखारविंद में सदा ही मुस्कुराहट रहते, हंसते रहते, ऐसे जो मुकुंद भगवान है। तो हे सखी सपने अद्य, सपन में मैंने आज मुकुंद मालक जो मुकुंद भगवान है उनको मैंने देखा। पुनरुक्त है, पुरापि तत् सपनो सपनो भद इति गम्यते कीदृशम, तो कह रहे हैं कि वहाँ आपने जो सपन में देखा, तो उस सपन में आपने क्या देखा, मतलब सपन में आपने कहा कि कृष्ण को मैंने देखा, पर सपन में आपने कृष्ण को क्या देखा, मतलब उसमें पुरापि तत् सपनो भी गम्यते कीदृशम, पूर्व में भी तो आपने सपने देखे थे, अब बताइए कि एक सपने में आपने क्या दर्शन की हुई, किस प्रकार का सपना देखा, अब वो क्या देखने को प्राप्त हुआ। तो कह राजपुरन मथुरागत मथुरा राजपुराण मथुरात गोकुलम नंदीश्वर मुपयात, कि मैंने सपने में देखा कि वहाँ जो मुकुंद है वहाँ आज जो है मथुरा राजपुरी राजपुर जो मथुरा है उस मथुरा से गोकुलम नंदीश्वरम मुपयात, अर्थात वह गोकुल में आगमन किया, अर्थात जो नंदीश्वर में आकर के उपस्थित हुए हैं, और प्रमदेन आनंदेन उन्मादिता जननो तातो येन तम, और उनके आने से नंद यशोदा आदि जो तात वर्ग है सभी आनंदित हो गए, बड़े ही आनंदित हो गए, बड़े प्रमोदित प्रमोदीन आनंदीन मादितो, अर्थात प्रमोद से आनंद से बिल्कुल भर गई कि कृष्ण जो है लौट करके आया। अवतंसि कुंद जेनतम, अर्थात कैसे, तो कह रहे हैं कि मत मानो कि कुंद पुष्प से निर्मित जो अवतंस चूड़ा है उसको धारण किया हुआ जो कृष्ण है वह श्री गोविंद लौट करके आया है। कह रहे हैं परम महोत्सव घूर्णित घोषम नयनिंगित कृत मत परितोषम, परमेति स्फुटार्थ, बाकी उन्होंने इसमें कोई अर्थ नहीं किया है। तो अब कह रहे हैं कि जो कृष्ण का आगमन हुआ कि इसके कारण से परम महोत्सव घूर्णित घोषम, कि मानो एक बड़ा महोत्सव हो गया, और महोत्सव होने के कारण से आनंद में जो घोष पल्ली है, घोष आभीर पल्ली के सभी लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं चारों ओर कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, और नयन इंगित कृतम मत परितोषम, अर्थात उनकी जो नयन है भगवान के कृष्ण के, उनके नेत्रदय के द्वारा की गई इंगित मुझे जो है बड़ा ही परितोष प्रदान करते, बहुत ही आनंद देते, तब जब भगवान अपने नेत्र से कुछ संकेत देते, इंगित देते, तो श्री जी के हृदय में बड़े परितोष होता है, आनंद होता है जब जो है भगवान जब कोई भी इंगित प्रदान करते हैं। नवया गुंजावल्या कृतु परभागो अति शुभा लक्षण गुणोत्कर्ष यशतम, अर्थात नए गुंजा
बल्याकृत प्रभाग शुभ लक्षण गुणात्कर्षस्फुटम तद नयज गुंज की माला आदि है उसको जो है पहने हुए हैं तो उसके शोभा से बड़े अतिशय उत्कर्ष लग रहा है, तद बड़े सुंदर श्री ठाकुर जी लग रहे हैं। आजकल जो है श्री ठाकुर जी को गुंजा की माला नहीं पहनाई जाती है क्योंकि सब हम लोग वृंदावन को डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, तो डेवलपमेंट करते करते इतनी डेवलपमेंट हो गए कि वृंदावन को आज वृंदा ही नहीं रहा, पत्थर बन हो चुके हैं। अब जितना थोड़े कुछ बचे थे उस पार में, अभी जमुना जी के उस पार में थोड़ा गांव वगैरह बसा हुआ था, गवर्नमेंट देखा कि भाई यहाँ से जहित तक तो हमने सारे कवर कर लिया, केडी हॉस्पिटल तक सारे के सारे बिल्डिंग से बिल्डिंग बन गए हैं, अब इधर तो कोई जगह नहीं है। अब इधर छठीगढ़ा में जाएंगे तो उधार पे डेवलपमेंट हो गया है, सब बन चुका है। अब गवर्नमेंट देख रहे बाकी कहाँ रह गया, तो क्या यमुना जी के उस पार में रह गए, माड़गांव में थोड़ा बंसीबट साइड रह गए, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधा है इसको भी अब काटा जाए, डेवलपमेंट कराना है इसमें भी। पेड़ पौधा डेवलपमेंट नहीं होता है, पेड़ पौधा इतने काट रहे हैं कि इतनी गर्मी बढ़ रहा है तो इनको समझ में नहीं आता है। डेवलपमेंट के नाम पे जो है इनको सब कुछ करना है, सब काट फट करके चकाचक जो है लाल पत्थर लगाना है और उस कुछ नहीं है। और एक पत्थर लगाएंगे, 10 बार उठाएंगे, 10 बार फोड़ेंगे और बस जनता की टैक्स लेकर के यही ये करते रहेंगे। तो अभी यमुना जी के उस पार में पूरे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ले लिया कि उसको अब नष्ट किया जाए, जो गोबर जो बंसीवट था, जो मान सरोवर था, जो उधार जो शोभा थोड़ा बहुत गाँव बचा हुआ था उसको भी गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट के नाम में पूरा ले लिया है। साल भर, 2 साल भर, 4 साल 10 साल बाद वहाँ पे भी अब कोई वृक्ष नहीं देखी जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट तो यही करने वाले हैं। तो वृंदावन अब वृंदावन नहीं रहा है, तो ना तो वहाँ पे गुंजा का पेड़ अब उगने वाले हैं, ना ठाकुर जी को गुंजा माला पहनाया जा सकते हैं, अभी भी नहीं पहनाते क्योंकि और बड़ा मेहनत का भी काम है। गुंजा पुष्प जो बड़ा छोटा छोटा होता है वो जो उसका बीज, अब उसको भाई माला गूंथने जाओ बड़ा टाइम लगेगा, लोगों के पास आज समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है लोगों के पास समय नहीं है, भक्ति का प्रेम करने का समय क्या है कि भाई माला पहनेंगे, तिलक पहनेंगे और फिर थोड़ा सेल्फी लेंगे और बस फोटो छोड़ना है मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना है और बस यही है। तो ये इसके लिए समय है, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए समय नहीं। मतलब ठाकुर जी के लिए समय क्यों नहीं, भाई पैसा हमारे पास बहुत है, हम बाजार में जाएंगे 20 रुपया देंगे माला लेकर के खरीद के लेके आ जाएंगे, हम स्वयं से क्यों उसको बनाए, जब 10 रुपया में मेरा काम हो जाएगा, मुझे इतना समय नहीं है। तो ये जो है ये बड़ा कल्चर जो है बड़ा ख़राब होते जा रहा है। मतलब बाहरी रूप से भले हम भक्त का वेश धारण कर रहे हैं पर भीतर से खोखलापन है। तो ये जो खोखलापन भक्ति है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद फिर वो अच्छा नहीं लगने लगता, लगता ये क्या है, चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, नहीं फिर वो खोखलापन हो जाता है। तो ये भक्ति नहीं है, ये तो बस दिखावा चल रहा है। क्योंकि श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए बताओ कैसे कुजा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, अब चंदन घिसने के लिए भी आज बड़े मेहनत होता है कि भाई इतने मेहनत कौन करेंगे, हाथ भी दर्द करता है तो इतना तो भाई हमारे पास टाइम नहीं। गुड़ा चंदन लेके आओ भाई, मशीन में पीसी हुई है उसको लगाते हैं सुंदर करके, नहीं तो तात्पर्य की जो सेवा की अभिलाषा है, जो गोस्वामियों की जो भाव रहा है कि स्वयं जो है पुष्प चयन करने के लिए जाए। अच्छा सखिया स्वयं पुष्प चयन करने के लिए जा रही है कि नहीं, ठाकुर सूर्य पूजा के लिए भी श्री जी जा रही है तो स्वयं पुष्प चयन करती है, नहीं कि सखियों को कह दिया कि चलो सखिया लेके आओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे तो अभी नहीं जाना है, क्योंकि 10 सेवक होगा तो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। परंतु सेवा जो है स्वयं को करना चाहिए, चाहे कोई भी सेवा हो। तो ठाकुर जी की जो पहले ये होता था कि सेवा में एक अभिरुचि होता था, वो अभिरुचि आजकल जो साधक में घटते जा रहे हैं। तो ये घटेगा तो फिर भक्ति नहीं प्राप्त होंगे, नहीं ठाकुर जी प्राप्त होंगे, क्योंकि ये अगर घटते जाएगा तो हमारे फिर आकर्षण रति, क्योंकि आसक्ति नहीं है, रति नहीं है, तो इसके लिए घट रहा है। रति तीव्र होता तो फिर वो करते फिर काम, रति नहीं है, रति किस दूसरे विषय पे है। देखना कि जिसका जिस विषय पे रति है उसके ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है, उसके लिए वो डेडिकेशन उनका ज़्यादा है कि मुझे करना है। पर ठाकुर जी में जब रति नहीं है तो वो ढीलीपन है कि नहीं कोई कर रहा है कोई कर रहा नहीं। इसे कहते घर पर 10 लोग हैं तो घर पर कोई मैया एक पूजा कर रही है तो बाकी 10 लोग बस प्रणामी ठोकने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे मैया पूजा कर रही है तो मुझे क्या, मैं तो प्रणाम करके चले जाऊँगा।
तो भाई प्रणाम आप करके जाओ ठीक है, पर आपकी भी तो सेवा है ठाकुर जी की, तो आपकी सेवा कौन करेगा फिर? तात्पर्य है कि सेवा का अभिलाष, जो सेवा है वो मौका अपना गंवाना नहीं चाहिए। हमारे पास समय है तो हम ठाकुर जी की स्वयं से ही सेवा करें, जो भी वस्तु बनाए स्वयं से बनाए, जितना हमको आता है उतना ही बनाए। ऐसा नहीं कि हमको दूध पकौड़ी बनाना नहीं आता है इसलिए हम दूध पकौड़ी को हमको भोग ही लगाना, नहीं, आपको जो आता है बनवाना स्वयं से बनाए, क्योंकि आजकल बाजार में कोई शुद्धता नहीं रह गई है, कोई शुद्धता नहीं रहेगी। बहुत भक्त लोगों को ये भी नहीं पता, जैसे कि बहुत सारे क्रीम्स आते हैं, बहुत सारे आइटम्स आता है जिसमें पशुओं की जो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, हड्डी का प्रयोग किया जाता है, खास करके जो मेकअप वगैरह होता है ना उसमें हड्डी का प्रयोग होता है, जो मेकअप करती है उसमें हड्डी का प्रयोग होता है एकदम बिल्कुल। आप नेट में आजकल तो सब ओपन है, आप गूगल में जाके सर्च करो कि भाई लिपस्टिक कैसे बनते हैं, मेकअप कैसे बनते हैं, या जो दवाई आप खा रहे हो प्रोटीन कैसे बनते हैं, सब सर्च कर लो थोड़ा सा, आपको सारे के सारे सब मिल जाएंगे कि भाई चल क्या रहा है, कि हमारे भक्ति जीवन में उन्नति कैसे होगा। कि आदो आहार शुद्धि, पहले तो आहार शुद्धि होनी चाहिए, पर आहार हम शुद्ध हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि सारी चीज़ मिलावटी आ रहे हैं। तो जो मिलावटी चीज़ आ रहा है वो जो ग्रहण कर रहा है, इसलिए कहा विषय रन्न खाई ले मलिन हाय मन, तो वो जितने भी विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, विषय का अन्न का तात्पर्य जो अन्न सही नहीं है, मतलब चाहे वो अनर्थ किसी उल्टा सीधा उपाय से उसने अपना इनकम किया हो, या जिस वस्तु में शुद्धता नहीं है, और ऐसे वस्तु का हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जो चित्त है वो फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, मलिन होते जाएगा। और मलिन हृदय ना है कृष्ण भजन, तो जब चित्त मलिन हो जाता है, विकारग्रस्त है, तो चित्त में कृष्ण के लिए प्रेम आसक्ति रति नहीं हो पाता है। तो इसलिए बड़ा सावधानी से सारे वस्तु का अन्वेषण करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ा ही ये सब खराब चीज़ चल रही है, लोगों को पता नहीं होता है। पर जैसे चॉकलेट खाते लोग, तो चॉकलेट में भी जिलेटिन होते हैं, वो बोलते नहीं है पर उसके अंदर भी होता है। आज एक फैशन चल रहा है कि लोग ठाकुर जी को चॉकलेट भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी को चॉकलेट भोग लगा रहे हैं, महात्मा का उत्सव हो रहा है तो चॉकलेट भोग लगाई जाती, इत्यादि इत्यादि होता है। तो ये जो सारे चल रहा है, इन सारे वस्तु में जो है जीव का ही कोई ना कोई अंश इसमें प्रयोग रहता है, तो इन सारे वस्तुओं को तो हमें ग्रहण ही नहीं करना है। पर वो सारे वस्तु का ग्रहण करते हैं क्या होता है कि इसे धीरे, क्योंकि लोग अंदर उतना अब विचार नहीं रह रहा है, शुद्धता की विचार नहीं है, तो जब तक वो विचार जैसे हटते जाएंगे धीरे धीरे, फिर जो है अनर्थ होते जाएगा। इसीलिए जो कली है, कली काल, तो इस कली काल में बड़ा दुर्विषय स्थिति हो जाएगा कि भगवान का जब प्रादुर्भाव होंगे तो तब तक हर व्यक्ति रावण बन चुके होंगे। कि पहले राम जी का अवतरण हुआ तो एक रावण था, और अभी जब अवतार होंगे कली का, तो इसके लिए पहले से तय है, रेडी है लोग, कि भगवान के जो पार्षद है, जो सप्त चिरंजीवी बैठे वो भी तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, राम जी के एक वंशज है, भागवत जब आप खोलेंगे तो उसमें एक बात आता है कि राम जी के वंशज, अंतिम जो वंशज है वो अभी भी जीवित है और वो अभी भी छुपे हुए हैं। जब आप नवस्कंद में अध्ययन करेंगे तो आपको वह पता लगेगा कि अभी वो छुपी, वो तक कब निकलेंगे, वो तो वो तब निकलेंगे जब जो भगवान कल्कि जब अवतीर्ण होंगे तब वो अवतीर्ण होगा, और अवतीर्ण होकर किन सबका विनाश करेंगे, क्योंकि उस समय भगवान को बड़े सहारा की जरूरत है, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति रावण बन चुके होंगे, पहले एक रावण था, अब तो हर जगह में रावण हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा स्थिति खराब होगा कि धीरे 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 वो धर्मों को ऊपर से दिखाई देगा। कि भागवत जी का जब एकादश स्कंद में भगवान जब उपदेश देते उद्धव जी को, तो कहते हैं कि कलियुग में स्थिति ऐसा होगा कि धर्म भास को ही लोग धर्म मान लेंगे, यानी ऊपर ऊपर से तो लगता कि धर्म है परंतु असली में वो धर्म नहीं। मानो कि धर्म का 10 काम आप कर रहे हो धार्मिक, परंतु 100 में से 10 काम आपकी अच्छी है और 90 काम ऐसे हैं कि जो शास्त्र का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे होंगे। पर व्यक्ति क्या देखेंगे कि नहीं, वो 10 अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी जो 90 काम हैं उसको लोग ध्यान नहीं देंगे। अब उसको जो ध्यान दे करके कहेंगे कि नहीं भाई ये ठीक नहीं चल रहा है, तो लोग जो जो कह रहा है उनको ही गलत कहेंगे। धीरे धीरे स्थिति जो है ऐसे होते जाएगा, तो धर्मभास को लोग धर्म मान लेंगे और स्थिति ऐसे बिगड़ती जाएगी, ये होने वाले हैं। तो इसीलिए जो है बड़े
सावधान होकर के रहना चाहिए कि भाई हमारी जो है ऐसे हम नष्ट ना हो जाए, भजन जो हमारी है वो नष्ट ना हो। तो इसलिए जो सेवा आदि करना है तो आपने बहुत सोच समझ करके स्वयं से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, नित कि हमें जो गवाना नहीं है, क्योंकि पता नहीं इसके पश्चात में मनुष्य जन्म फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बड़ा जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है जो हमें अभी प्राप्त हुआ है, तो इसका एक एक क्षण जो है इसको नष्ट नहीं करना है। अगर हम नष्ट करेंगे तो नष्ट करना नहीं है, अगर नष्ट का तात्पर्य हुआ कि चलो हम नष्ट करेंगे तो भगवत कार्य में करेंगे, पर उसको नष्ट नहीं कहा जाएगा। मतलब अगर हम हर समय भगवत चिंतन में रहे, भगवत कार्य करते रहे, तो वो भी समय कोई बिताना हुआ, परंतु वो समय जो हम बिता रहे हैं वो अधम नहीं मानी जाएगी, उत्तम मानी जाएगी। और व्यर्थ की बात में, व्यर्थ की चर्चा में अगर हम अपने समय को लगा देंगे, अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देंगे, तो फिर हमारे आगे कुछ होने वाला नहीं है। आगे मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिले उसका पता नहीं है। तो भगवत प्राप्ति हो या ना हो, कम से कम इतना कार्य हम करके जाए कि चलो आगे हमें और भी मौका मिल जाए, इतना अपना एक होना चाहिए कि नहीं हम इतना कर रहे हैं तो आगे अवश्य हमको, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे कितना प्राप्ति होगा, क्योंकि स्वयं जानते हैं मैंने कितना भजन साधन किया, कितना झूठ बोला, कितना लोगों से क्या व्यवहार किया, व्यक्ति स्वयं के बारे में सब जानते हैं। तो व्यक्ति स्वयं ही कर्म करेंगे तो वही कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। तो स्वयं ही अच्छा अगर कर्म करेंगे, व्यवहार रखेंगे, तो उनका पतन कदापि होगा नहीं, तो स्वयं को सुधारना है। तो कह रहे ऐसे गुंजा माला आदि से जो श्री ठाकुर जी है बड़े शोभायमान हो रहे हैं। ननु राजधानी ब्याह कथम गोकुल में आगता, तो कह रहे कि जो भगवान कृष्णचंद्र है वो क्यों अपने जो राजधानी है वहाँ से उसको त्याग करके क्यों जो है गोकुल में आ गया, क्या कारण है कि क्यों आया गोकुल में। तो कह रहे तत्र आहो, तो इसलिए कह रहे प्रबल अतिवली सनातन नित्य सुहृद अनुराग यशुतम नखलो राज जयसर्ज लुब्ध हरि अप्रित प्रेम लुब्धा एव इति तस्ताम विहाय आगता। कह रहे भगवान कैसे हैं, बोले प्रबल अतिवली है, और जो भगवान सनातन तत् नित्य है, तो नित्य ही भगवान का कैसे हैं, सुहृद अनुराग, जैसे सुहृद के प्रति अपने जो प्रियजन हैं, अपने प्रेमी जन हैं, उसके प्रति श्री भगवान का, श्री ठाकुर जी का कैसे हैं, अनुराग है, प्रेम है। तो इसीलिए नखलु राज्य सर्ज लुप्त हरि, भगवान कृष्णचंद्र को कोई राज्य ऐश्वर्य के प्रति कोई लोभ नहीं, वो उसमें आकर्षण नहीं होता है उनका, मतलब ठाकुर जी का उसके प्रति कोई भी अनुराग नहीं है, राज्य इत्यादि के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो इसलिए बार बार कहते कि श्री ठाकुर जी ये नहीं चाहता कि तुम मुझे राजभोग भोग लगा दो, या कोई पनीर खिलाओ रोज मुझे, बड़ा कोई सुंदर खर्सवी बना करके खिलाओ, नहीं, ठाकुर जी जो है प्रेम के भोगे हैं, वो तो चाहते कि आप उनको प्रेम कर, अनुराग करो। हाँ, पर अनुराग और प्रेम करो, पर कैसे कैसे कि नहीं, शास्त्र विधि आदि को मान करके करो, ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छा से शिक्षा सारिता व्यभिचारिता कर लो। हाँ, व्यभिचारिता भी कई बार सिद्ध हो सकता है, परंतु वो फिर किसी के लिए अनुसरणीय नहीं होता है। व्यभिचार से भगवान को आप सिर्फ प्राप्त कर सकते हो, अगर आप चाहोगे कि भाई कृष्ण तुम मेरे पत्नी बन जाओ तो कृष्ण बन जाएगा आपकी पत्नी, ये प्रसिद्धि है। जो आयन घोष था वो पहले क्या था, असुर था, वो भी देवता नहीं था, वो तो उसने तपस्या किया था, तपस्या करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोला क्या चाहते हो, कहना आप, मैं तो आपको पत्नी रूप में चाहता हूँ, आपने जो अंश है उसको हम, मैं अपना जो है स्त्री रूप में चाहता हूँ। भगवान ने कहा ऐसी तुम्हारी आप इच्छा तो हम मान लिए है, तुमने मांगा चलो हम दे दिए, पर हम बता देते तुम उनको सहन नहीं कर सकते, उसके साथ रह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम में तुम जीव हो और हम भगवान है, तो तुम उनकी तेजी नहीं सहन कर सकते हो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ही रहूँगा, मेरा आधा अंश तुम्हारे अंदर ही रहेगा और बाह्यिक रूप से तुम ही रहोगे, भगवान ने कह दिया। तो तात्पर्य है कि भगवान दे तो देते हैं, भगवान दे दिया, परंतु वो फिर मार्ग नहीं हुआ कि कृष्ण को अपने पत्नी मान करके भजन करने का कोई मार्ग प्रशस्त हुआ है क्या, नहीं हुआ है। पर कृष्ण की पत्नी बन करके यानी उनके प्रेमिका बन करके भजन करने की मार्ग प्रशस्त है, वो बना, परंतु उल्टा नहीं बन पाया,
क्योंकि वो महाजन के द्वारा वो मार्ग का अनुसरण नहीं किया गया, उसको ग्रहण नहीं कही गई है। या जो मोहिनी के प्रति जो शिव जी ने धावित हुआ, तो मोहिनी अवतार का भी उपासना नहीं किया जाता है। इसमें इसी प्रसंग में विष्णु चक्रवर्तीवाद कहते हैं, इसीलिए कि शास्त्र का अनुगत भाव का जो है आश्रय करना है। इसीलिए क्रोध में या जो भय में कंस ने भगवान का प्राप्त किया, वो हमारे लिए मार्ग नहीं हो पाया। ठीक उसी प्रकार मोहिनी अवतार का भी कोई पूजन आदि नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आचार्य के द्वारा जो मार्गों को ग्रहण किया गया, अनुसरण किया गया, उसी का ही ग्रहण होता था शास्त्र अनुकूल। तो भगवान कैसे हैं, अभी तो प्रेम लुब्धा, भगवान प्रेम लुब्ध है, इसलिए श्री भगवान उस जो मथुरा है उसको परित्याग कर करके फिर भगवान यहाँ पे पुनः आ गया। भगवान भक्त भक्तिमान इति शिशु को वचनाद पक्ष सनातन सुरधि तन्नाम निज भक्ति दिव्यंगम। तो भगवान जो है केवल भक्त के भक्ति को ही देखते हैं और कुछ को किसी को भी नहीं देखते हैं। तो कहते हैं कि सनातन में सुरहित तन्नाम निज भक्ति दिव्यंग्यात, अर्थात सनातन जो गोस्वामी है उनको ही अपने सुरहित जो मानता तत्व, उनका अपने जो भक्त है उनको भी जो प्रेम करते हैं, ऐसे जो श्री ठाकुर जी है, अर्थात सनातन गोस्वामी को भी अपने जो निज भक्त उनके प्रति भी श्री ठाकुर जी का अनुराग है ऐसे। पुनश्च कह रहे सौराष्ट्र में, पुलकम पेति भयं मम गात्रम हससी तथापि मदादति मात्रम वारयतुर्नमिमं सखी कृष्णम अनुचित कर्मणि निर्मित तृष्णम जाने भवति मे विपक्षाम माम उपनीता यद्वन कक्षाम अद्य सनातन मति शुक हेतु न परिहरिष्य विधि कृत से तुम। और कह रहे हैं कि छद्मनो उपनीतः कर्तृक्तः, छद्मनो उपनीता तो कह रहे हैं छद्म से, छल से जो है उपनीता, छद्मना उपनीता, छद्म वेश को धारण करके उपस्थित हुई ऐसे। कर्तरिक्तः, कर्तरिक्तः प्रत्यय हुआ है, कक्षुद ग्रहणिका कांची प्रकष्ठे गजरज अनुरागर्तम कृष्ण संकित स्थानम अवस्थाव्य वनशोभा वीक्षण छद्मना तत्रानित्य श्री राधाम तत्स्पर्श चपलम प्रतित्य सखी महापुलक इत्यादि। अर्थात कि कक्षुद ग्रहणिका, मानो अपने जो कोमर है उसमें बांधी हुई कांची प्रकष्ठे, अर्थात कृष्ण की कोमर में बांधी हुई गजरज्जु अनुरागर्तम कृष्णम, अर्थात मानो श्री राधा जी की अनुराग किस प्रकार है कि जो गज की रज्जु है, अर्थात गज को जो बंधा जाता है रज्जु, तो ठीक उसी प्रकार मानो श्री जी भी कृष्ण ही कुमर में बंधी हुई है ना, उनका अनुराग इस प्रकार है कि जहाँ कृष्ण है वहीं पे श्री जी चली जाती है, उनका अनुराग खींच करके ले जाती है, जहाँ चल रही है वो बांधी हुई है कृष्ण के साथ में उनके जो कांची प्रकष्ठ है। तो बोले अनुरागर्तम कृष्णम संकित स्थानम अवस्थाप्य वनशोभा इक्ष छद्मना। तो कह रहे जो अनुराग से जो पीड़ित हुई जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, श्री ठाकुर जी के प्रति भी जैसे श्री जी की अनुराग है, कृष्ण के भी अनुराग श्री जी के प्रति उसी प्रकार है। तो श्री किशोरी जी का भी अनुराग प्रबल तीव्र है, श्री ठाकुर जी का भी अनुराग प्रबल तीव्र है, तो श्री जी के मन में भी तीव्रता अनुराग अभी है और श्री ठाकुर जी के भी। अब दोनों का जो है मिलन कराना है, तो कैसे मिलन कराया जाए, तो पहले कृष्ण को स्थान में लिया जाए, फिर सखिया जो है कृष्ण को भी लेके आती है, फिर श्री जी को भी लेके आती है और फिर दोनों को मिलाती है ना, तो फिर लीला, फिर नित्य लीला होता है फिर निकुंज में। तो कह रहे हैं कि
वहाँ जो अनुराग से भरी हुई जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनको कि संकेत स्थान में रख करके जो है सखिया श्री कृष्ण जी को लेकर के आई है, छद्मना माने छल करके लेके आई कि भाई ऐसे आ जाओ। कह रहे कृष्ण संकेत स्थान अवस्था पे बनसेवा भिक्षण छद्मना कि सारा श्री राधा जी को क्या कहा कि चलो श्री जी बन का सुभा को दर्शन करके आते हैं, पर उपस्थित किन को पहले करा के गए, कृष्ण को करा के गए कि कृष्ण आप यहीं पे ठाकुर जी नहीं, हम किशोर जी को समझा बुझा करके लेके आ जाते हैं है? तो कक्षोग्रहण कांची प्रकृष्ट गजरज अनुरागर तम कृष्णम अर्थात उस जो संकेत स्थान में विराजमान हुई अनुराग से भरी हुई जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है ऐसे वनशुभा भिक्षु छद्मना तत्र नित्य राधाम अर्थात वनशुभा की दर्शन की छल से आने ले आ गई ले आई जो श्री राधा है वह श्री राधा जी वन कुशवाहा को दर्शन कर रहे हैं और स्वभा को दर्शन करते हुए कि ये स्वस्पर्श चपलम कि आपने अंगों को स्पर्श करने में जो चंचल कृष्ण है प्रतित्य जान करके कृष्ण को देख करके कि कृष्ण ही पे है ऐसा जानते हुए सखी माह पुलक इत्यादि जो है सखी को जो है कहने लगे पुलक इत्यादि कह करके कि हे सखी कृष्णम पश्यंता हे सखी कृष्ण को देख करके गात्रम भयात पुलकम उपैति मुझे तो बड़ा भय लग रहा है और भय से मेरा जो गात्र है शरीर हो जब पुलकित हो रही यानी रोम रोम जो है बिल्कुल सीधे हो गए कि कृष्ण को देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। तथापि तम अति मात्र मदो मदाद गर्वात मया तमत्त विजितासी त्यम लक्षण हससी कि देखो कि फिर भी देखो अब कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है और तुम जो है हंस रहे हो तथापि तम अति मात्र मदद गर्वात कि तुम उनके गर्वों को देख करके तुम जो है बस हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो उसको देख करके पर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि मया तमद विजितासी त्वम लक्षण हासती कि जो है कि मैं तुम्हें आज विजय कर लूँगा इस लक्षण से हास रहे अतिमात्रम भ्रशमीति हास क्रिया विशेषणम अर्थात अतिमात्र से जो है हास रहे हैं अर्थात जो भगवान कृष्ण है वो जो है वो किशोर जी को किशोर जी ने देखा और डर रही है तो किशोर जी को देख करके जो बड़ा हंस रहे हैं तो सखियाँ भी जो है थोड़ा सा ऐसे ही हंस रही थी तो सखियों को पहले मना किया पर कृष्ण उधर से जोर जोर से हंस रहे कि भाई आज मानो संकेत दे रहा है कि आज तो श्री जी तुमको मैं विजय कर ही लूँगा इस प्रकार भाव है कि अतिमात्रम भ्रशमिति हासक्र विशेषणम इस प्रकार से जो है अतिमात्र में बहुत जोर जोर से जो है हाथ मुस्कुरा रही है ये विशेषणम दिया गया है अतिवेलम भ्रशात्यर्थम मात्र गाढ़ निर्भरम इत्यमरा अमरकोश में शब्द के लिए कहा कि महम कुर्यामिति मैं क्या करूँ इति चित्तत्र हो तो मतलब कृष्ण सखिया पूछ रहे कि तो फिर मैं क्या करूँ अभी तो कैसरी जी कहती बारह यति उसको हंसने के लिए मना करो है ना जो मतलब माना संकेत दे रहा कि मैं आज तो विजय कर ही लूँगा तो तुम उसको जो है तुरंत जो है माना करो तो अनुचित मत परिरंभाना दे कर्मनी जो है उनकी जो मुझे परिरंभन आदि करने की उनकी जो इच्छा है उसमें मैं उसको अभिलाष देख रहा हूँ जो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है अनुचित कर्म है। भवतिम एवाम विपक्षम वैरिणी जाने कि भवतिम एवाम विपक्षम वैरिणी जाने कि मुझे लग रहा है कि तुम जो है मेरा अभिविवक्ष हो किसको कह रहे हैं कि जो है अपने सखी को कह रहा है कि लगता है तुमने ही मुझे मेरा विपक्ष शत्रु बन गया आज तुम विपक्ष का तात्पर्य यहाँ पे चंद्रावली है अरे तुम आज मुझे विपक्ष और श्री किशोर कृष्ण भी ले सकते हैं विपक्ष तुम मुझे आज विपक्ष हो गए मतलब मेरे विरोधी हो गए और तुम आज मुझे कृष्ण के पास लेकर के आ गए हैं आज से मैं तुमको अपना शत्रु ही मानती हूँ मैं मुझे लग रहा है कि तुम मेरा शत्रु ही हो माम यद वन कक्षा मध्यन स्थिति स्थिति तुम इसलिए मुझे अभी वन में लेके आई हो इससे मिलवाने के लिए तो कह रहे अद्याहम विधिकृत शतुम वेद विहित मर्यादम न परिहास परि
हारिष्य न त्याक्षामि, कह रहे आज जो है मैं विधिकृतम सेतु, अर्थात जो वेद की मर्यादा है उस वेद मर्यादा रूपी जो सेतु है उसको मर्यादा को ना परिहारिष्य मैं उसको बिल्कुल त्याग नहीं करने वाली हूँ। तुम भले ही मुझे लेकर के आइयो पर आज बिल्कुल कोई मौका कृष्ण को हम नहीं देने वाले, मैं वेद मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, ना त्याग क्षमे नहीं त्याग करूंगा। वेद भी सनातन नित्यम, अर्थात जो वेद का विधान है वही नित्य विधान है, सनातन है, वह नित्य है। तो अतिशैतस्य सुखस्य हेतुम, अति जो सुख के हेतु के कारण अर्थात सभी सुख के जो कारण स्वरूप जो सनातन है उसको मैं त्याग नहीं करूँगा। श्लेषण सनातनम कृष्ण महोन्न परिहारिष्य, अर्थात तात्पर्य श्री जी कहना चाहते हैं जो सनातन है नित्य वो कौन है, तो कृष्ण है। तो भाई मैं कृष्ण का कभी त्याग नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं त्याग करूँगा। विधिकृतम सेतु हेतु यस्मात् इति न तस्योपरि विधिर स्थिति भावः, अर्थात विधि जिसने किया है वो कौन है, तो सनातन है, भगवान है। तो यस्मात् तम न तस्योपरि, तत् तो कह रहे कि जो विधि है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, उनके ऊपर और कोई विधि नहीं है, क्योंकि विधि कर्ता बनाने वाला तो भगवान कृष्ण ही है। तो भाई उसके ऊपर और कोई भी विधि लागू नहीं होता है, क्योंकि जो इसने विधि बनवाया वो कौन है, तो कृष्ण ही है। तो भाई जो विधि बनवाता उसके ऊपर थोड़ी ना लागू होगा, वो तो बनवाया उसको, तो वो तो उसके परे है। तो वो भगवान कैसे, तो भगवान विधि के परे है। सनातन से मते सुखम यस्मात्तम कृष्ण विचारता, सनातन से मते सुखम मतद कहते हैं कि जो श्री भगवान है, जो सनातन से मत, सनातन मत क्या है गोस्वामी के मत में, बोले सुख यस्मात्तम कृष्ण, जो जहाँ सुख है वही कृष्ण है। मतलब तात्पर्य है कि जो श्री ठाकुर जी के लीला इत्यादि है उसी आनंद में ही डूबे रहो, वही कृष्ण स्वरूप है साक्षात। जो लीला का दर्शन, लीला आदि हम जो भी अध्ययन कर रहे या चिंतन कर रहे उसमें हमें जो आनंद प्राप्ति हो रहा है वही कृष्ण स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, यही अर्थ है। अब पुनश्चाप जो है कह रहे हैं अथ रास, अब रास का वर्णन कर रहे हैं। धानाश्री कोमल शशिकर रम्य वनांतर निर्मित गीत विलासो तूर्ण समागत वल्लभ जौवत वीक्षण कृत परिहासो जय जय भानुसुता तटरंग महानट सुंदर नंद कुमार शरदंगीकृत दिव्य रसावृत मंगल रास विहार गोपी चुंबित राग करंबित मान विलोकन लीन गुण वरगुन्नत राधा संगत सौहृद संपद धीन तद्वचनामृत पान मधारत वलयीकृत परिवार शूरतर निगण मति विक्षोभण खेलन वल्गित हारे अम्बु विगाहन नंदित निज जन मंडित यो मुना तेरा शोक संवेद घन पूर्ण सनातन निर्मल नाल शरीर निर्मल नील शरीर, इसमें मिस्टेक है, नील शरीर होना चाहिए यहाँ पे। और कह रहे हैं राशलम वर्णित, राशल का वर्णन करके कह रहे हैं कि कोमल थी कोमल, हे नंद कुमार त्वम जय जयती, हे नंद कुमार आपकी जय हो जय हो जय हो। कोमले शशिकरे रम्य वनंतरे निर्मितो गीत विलास जीना, अर्थात जो कोमल जो चंद्र किरण है उसके द्वारा अतिशय जो रमणीय वन है उनमें तुम जो है निर्मित गीत विलास जन, अर्थात तुम गीत विलास का निर्माण कर रहे हो।
तूर्णम समागतनम बल्लव जोवतानम भाव वीक्षण कृत परिहासन, और अति वेग से आई हुई जो गोपीगण है उनके भाव दर्शन के निमित्त में तुम उनकी परिहास कर रहे हो। भानुसुतयास तटम एव रंग नर्तस्थानम तत्र महानटतात्, हे नंदकुमार आपकी जय हो जय हो। अर्थात भानुसुता तद जमुना नदी की तीर रूपी जो रंग क्षेत्र है वहाँ पे आप महानृत्य प्रारंभ की हुई है, महानट है। शरद्यांगीकृतो अंगतम प्राप्तो दिव्यन अप्रकृतो ने अनुरागन अवृत मंगल राश विहार जीनहा, और शरद काल में अप्राकृत जो रसपूर्ण मंगल जो रास विहार है उसको अंगीकार आपने भगवान किया हुआ। तद प्राप्त दिव्यन अप्रकृत अनुरागन गणन अनुरागन वृत, अर्थात आपने जो अप्राकृत जो भाव तद अनुराग से युक्त हुई जो गोपिया आदि से उससे अब आवृत होकर के उस रास मंगल रास मंडल में शोभायमान हो रहे हैं। हे गोपी चुंब तथा गोपी चुंबनास्पद, हे राग करम्बित तो आलापित राग अर्थात राग को वर्धन करने वाले ऐसे कांताना मानस्य गर्भस्य विलोकेन लीनो कृतांतरधन कृतांतरधेन है, अर्थात भगवान जो है जो आपके जो कांता है उनके हृदय में जो गर्व हुआ मान हुआ गर्व हुआ उसको देख करके आप अंतर्धान हो गए। गुरु वर्गण नत्या राधा सहो संगतो है, और गुण से गर्वित तो जो श्री राधा जी है उनके साथ जो है आप विराजमान हो रहे हैं, उनके साथ में जो है आप विराजमान होकर के जो है विहार कर रहे हैं। तस्य यासोर्द संपन्त अधीन है, अर्थात वहाँ जो श्री जी हैं कैसे हैं तो बोले गुण गर्भनत राधा संगता जासोर्द संपत्त अधीन है, अर्थात गुण वर्ग उन्नत है अर्थात गुण वर्ग से यानी सभी गुण आदि के से जो जो युक्त है अर्थात उन सभी गुण आदि से उन्नत हुई जो श्री राधा है उनके साथ आप संग कर रहे हैं और उनके आप सौहृद है अर्थात संपत्त अधीन है अर्थात श्री किशोर जी के साथ में विहार करती उनकी प्रेम में वशीभूत हुई आप उन श्री राधा जी के जो है अधीन हुए हैं ऐसे। और तासाम गोपीनाम जानी वचनामृतानी, तो वहाँ जो गोपीगण है उनके जो वचनामृतानी वचन अमृत है जयति तेधिकम इत्यादि जो गीतानी जो गीत के आदि के द्वारा उन्होंने आपका प्रार्थना किया आपके पास निवेदन किया। तेषाम ग्वानेन तेषाम पानेन उसका पान करते हुए यो मदहा तद विषेण प्रेमना मत्तता तेना हरता तासम सदस्यानि, अर्थात उनकी द्वारा की गई वह की थे उसको श्रवण करके उसका पान करके भगवान आप जो है मत हो गए आनंदित हो गए और पुनः उनके सामने आकर के विराजमान हो गए। वलीकृत मंडले भावम प्रवृत्त निज परिवारम सप्रिया परिकर जिन, तद उनके जो अपने प्राप्त तो अपने जो निज परिवारजन है वो प्रियाजन है उनके द्वारा बले कृत मंडल से प्रविष्ट तो होकर के विराजमान हो रहे हैं। पुनरावद्ध हल्लिषक नृत्य तथा और पुनः फिर आप हल्लिषक नृत्य प्रारंभ किए तथा पुनः रास किया। स्वगान माधुर्य शूर तीर्ण गणम मतिर्भिक्षवती, अर्थात अपने गान माधुरी के द्वारा जो यह शूर सुरंगना आदि है उन सुरंगना आदि के भी चित्त को भी आप क्या किया विक्षोभ पैदा कर दिया था उनके चित्त वृत्ति को भी आपने शुद्ध कर दिया वो भी आप चित्त को उनके चित्त स्थिर नहीं रह गए। कई बार इस प्रसंग में हमने बात किया खेलने नित्य क्रणया बलगत चपलहार मनीश्वर यश, और भगवान आप जब वहाँ नृत्य क्रीड़ा कर रहे हैं तो उस समय में आपके जो मनिहार है गले का वो जो है चंचल हो रहा है। इस प्रकार अम्बु विगाह ने न जल विहार नंदित निज जना प्रियगना जी न, और पुनः आपने जल विहार भगवान किया अम्बु में जल में जो है
अवगाहन किया और अवगाहन करते हुए नंदिता निज जना प्रियगना अपने जो निजजन है प्रियजन है उनको जो आनंदित किया। स्नानवम वीति वस्त्रभूषण स्थिर निजोजन मध्य निजन मंडितम जमुना स्थिरम, और उसमें स्नान करते हुए जो है उत्थित उठ करके वस्त्र भूषण आदि से जो है आपको आपने निजजन जो है उन्होंने सजाया और उस समय जमुना तीर की शोभा मानो कितने शोभायमान हो रहे थे जो आप वहाँ पे विराजमान थे। हे सुखी संबीद घन सांद्रानंद विज्ञान स्वरूप अतः भगवान ऐसा कैसे हैं तो कह रहे अत्यंत जो गाढ़ विज्ञान आनंद स्वरूप आप है सांद्रानंद अतः घन निविड़ आप आनंद स्वरूप आनंद कंद मूलाधार है। हे पूर्ण सनातन आप पूर्ण सनातन है ये निर्मल माया गंध अस्पृष्ट तथ माया गंध रहित शून्य अस्पृष्ट तथ जिनको स्पर्श नहीं कर सकते माया का गंध तक। हे नील शरीर श्याम सुंदर विग्रह अतः नील शरीर अतः श्याम सुंदर विग्रह पक्ष पूर्ण सनातन तत्पक्ष में आप कैसे है आप पूर्ण सनातन है जिन इतिचार्थ तथा आप जो है पूर्ण सनातन है भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामीपाद रास का वर्णन किया। आज समय भी हो चुका है तो आज ही पे विश्राम देते हैं, आगे फिर पुनः जो गीतावली में जो जैसे गोस्वामीपाद ने लिखा उसका पुनः आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि श्री जुगल सरकार की जय। श्री जुगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री अस्तव माला की जय। श्री रूप गोस्वामीपाद की जय। श्री जीव गोस्वामीपाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधु दास बाजी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय। श्री रामगोपाल दास बाजी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। श्री गृंद्र बिहारी लाल की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।